नहीं यार, ये तो चढ़ना पड़ेगा। ये क्या कर रही है, क्या कर रही है, क्या कर रही है? ओहो बॉम्बे और प्यार। डिसाइडेड कि अपने डैडी का नाम क्या रखना है, बिकॉज कभी तुम लोगों ने ऐसा बर्गंडी कलर का पनीर देखा है? पता है इसका नाम क्या है? बर्गंडी पनीर। क्या डिश बनाई है भाविका चौधरी आज तुमने। हे गाइस, व्हाट्स अप, सच अ न्यू डे, न्यू व्लॉग ऑफ कोर्स। और आज मैं बहुत ही लेट व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा ब्रेकफास्ट, लंच, आई थिंक अभी 1 बज गए हैं, तो एक साथ हो रहा है। ऑफ कोर्स जैसे रोज होता है वैसे ही चल रहा है सब कुछ, लेकिन आज मैं बहुत ही एक्टिव हूँ। और मैंने आज डिसाइड किया कि मेरा घर जितना मेस्ड अप हो रखा है ना, मतलब मैं कुछ कर नहीं पाई हूँ। लाइक मैंने बीच में किया था मॉप एंड रूम, लेकिन आज मतलब पूरा फैल रखा है अच्छे तरीके से। और आज मैं सारा घर का काम करने वाली हूँ। एंड देन शाम को मुझे अपने फ्रेंड्स लोगों से मिलना है उपेन के यहाँ जाके, और हम लोग आज चिल करने वाले हैं। सो बने रहिए मेरे साथ रात। वर्क इन प्रोग्रेस। सो मैं कुछ शिफ्टिंग का प्लान कर रही हूँ कि इस सोफे को उधर डाल दूँ या कुछ कर लूँ। मेरा दिमाग अभी ऑन प्रोसेस है, वहाँ में क्लीनिंग चल रही है। उधर का एरिया मैंने कुछ मैनेज किया, अपने बैग्स उधर रख के। देन यहाँ पे मेरे ये वो वाले सब कपड़े हैं जो मुझे यू नो देने हैं, मैं कब से बोल रही हूँ। और वो मेरे खुद के बैग्स हैं जिसमें मेरे कपड़े पड़े हैं, मुझे एडजस्ट करना है। ये टेबल का सोच रही हूँ कहाँ करूँ, क्या करूँ, सब अभी ऐसा मेस्ड अप हो रखा है गाइस। और रूम मैंने थोड़ा क्लियर किया है अभी, कुछ जो मेरे बैग्स थे उसके इसके अंदर डम किए हैं मैंने। और जो जो होता है मैं सब अपडेट देती हूँ। और ये काम मैं आज ख़त्म करके रहूँगी, और मैं एक ही सेटअप से बोर हो जाती हूँ, तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ चेंज कर लूँ। तो लाइक फाइनली अब मैं कुछ यू नो प्रोसेसिंग में है, तो लेट्स सी क्या होता है। ओके बाय। यार काम करते करते 4 बज गए, लाइक 4:10 हो गए, मुझे पता भी नहीं चला इतना बज गया। और मैंने बाहर थोड़ा चेंज कर दिया है। आई थिंक अगर मेरे पास पुरानी ओल्ड पिक्चर्स होंगी बाहर के प्रीवियस लुक की, तो मैं अटैच कर दूंगी इस वीडियो में, लेकिन अभी जो हुआ है मैं आपको वो दिखाती हूँ। सो प्लीज अवॉइड दैट पार्ट गाइज, और बिकॉज मेरे पास स्पेस नहीं है तो मुझे ऐसा एडजस्ट करना पड़ रहा है अपने घर पे। और ये मैं जल्दी सॉर्ट आउट कर दूंगी, और जो कपड़े देने वो दे दूंगी। सो ऑफकोर्स ये ड्रॉर मैं नहीं मूव कर सकती हूँ, सो ये रैक इधर ही रहेगा। और नेक्स्ट कभी चेंज करने का मन किया तो मैं कर लूँगी। वैसे गाइज इस घर में जितना भी फर्नीचर है, जो कुछ भी है, सब इट्स ऑल माइन, इट्स बिलोंग्स टू मी। और ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे यहाँ मिला था, सो ये सब मेरा ही है। लाइक हैंगिंग लैम्प, लैम्प, सोफा, फर्नीचर, लाइक एवरी थिंग इट्स ऑल माइन। और ये ऑफकोर्स नहीं कर गाइज, मैं एक होम टूर दे दूंगी, लेकिन मतलब बता भी दूंगी कौन सी चीज़ मैंने कहाँ से ली है। लेकिन अभी के लिए ये मैंने चेंज कर दिया है। लाइक मैंने अपना डाइनिंग टेबल इधर कर दिया है, सोफा उधर शिफ्ट कर दिया है, सोफा यहाँ था पहले, प्लांट वहाँ से यहाँ कर दिया है, और वो फ्लावर उधर ही रहने दिया मैंने, क्योंकि वो यू नो गिर जाता है, उसे मैंने अभी एडजस्ट नहीं किया है। और सो यहाँ खाली कर दिया है, उधर शिफ्ट कर दिया सोफा, लैम्प उधर ही है, मिरर उधर शिफ्ट कर दिया है। और या अभी के लिए इतना आप देख लीजिए, और कौन सी चीज़ मैंने कहाँ से ली है, कैसे किया है, अगर आपको ये सब वीडियो देखनी है, और कितने में क्या क्या लिया है सब कुछ, और चाहिए आपको अगर तो प्लीज़ डू कमेंट की, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँ। तो अभी के लिए आप इतना देख सकते हैं। ये तो मेरे भगवान। सो फाइनली आई हैव डिसाइडेड कि अपने डैडी का नाम क्या रखना है, बिकॉज इस घर में अकेले रह रहे के मैं पक चुकी हूँ। सो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपने डैडी को अब से क्या बुलाऊंगी। उसको मैं बुलाऊंगी राजू, और ये नाम मुझे लकी ने सजेस्ट किया है। वो मेरे ब्लॉग्स में काफ़ी ज़्यादा कमेंट करता है और काफ़ी एक्टिव रहता है, और मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ उससे। सो लकी, तुम्हारे कहने पे मैंने इसका नाम राजू रख दिया है। अब से हम इसे राजू बुलाएंगे, ये मार खाएगा, इसे हम प्यार देंगे, इसको हम नहलाएंगे। सबसे पहले गंदा भी हो रहा है बेचारा। वैसे ये टेडी मुझे मेरे भाई ने दिया था, आई डोंट नो कि उसको किसने दिया था, लेकिन उसने फिर मुझे दे दिया था जब वो दुबई से शिफ्ट हो रहा था, तो उसके पास एक्चुअली एक्सेस लगेज हो गया था, तो उसने यू नो सामान निकाला था, तो मुझे ये दे दिया, बोला तू रख ले, तो उसे पता नहीं किसने दिया है। सो हाँ चलो, इसका नाम अब से राजू है, अब हम इसे राजू बुलाएंगे। ओके, अरे गुड न्यूज, तुम्हारी दीदी के लेंसेज आ गए गाइस, लेकिन अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। मैंने शॉर्ट्स दे दिए हैं, कंटिन्यूटी है, मेरे वो लेंसेज लग गए हैं। अब मैं थोड़ा सा भी जंप करूंगी इधर से उधर, तो क्या होगा।
कर लूँ क्या? लेट्स सी. भैया लोग देख देख के ऐसे सड़े हुए चेहरे को बोर हो गए हैं. आज पहली बार मुझे यकीन हो गया. हाय अमित. ओह माय गॉड. तुम लोग आए ना तो मैंने बोला कंटेंट आ गया मेरा. ओके. कंटेंट कंटेंट. अरे अरे इसका एडिट कर देना ठीक है. अरे ये इसका बैक ही आया बस. ओहो बॉम्बे और प्यार इसे जो हमारे कंटेंट है वो अभी घर का मोइना कर रहे हैं. कंटेंट घर का मोइना कर रहे हैं गाइस. तो अभी हम देखते हैं कि क्या होता है अपडेट. जय भाई को इतनी इज्जत मैंने पहली बार किसी के मुंह से सुनी है देते हुए. सर इसमें पागल नहीं होते, ये तो एक जुनून और एक इश्क है. क्या हो गया गाइस? तेरे से बड़ा कोई मिल गया. अच्छा उनकी कुछ गॉसिप चल रही है. आप प्लीज प्रीत व्लॉग में कैसे स्टिंग ऑपरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा पता नहीं चलेगा. प्लीज अच्छा तुम उसको बताओ मेरा नेचर आई डोंट लाइक हिम. अजय ऐसा भी है. चल अब तो अब बता दे ले रोहन की तरफ है. हाँ तो प्रीत बता हमें कि कैसा क्या साहिल ब्राउन. और अमित तो काफी कवर हो चुका है. यस यार तुम अपना इंस्टा भी बता दो. इंस्टा आईडी में टैग कर दूंगी. AMITTKSING H. ओके ठीक है. फॉलो ब्लू टेक. ओ ब्लू टेक. क्या बहुत सही बनाने के लिए वैसे ऐसे फ्लो कर रहा है पूरा. वेरी नाइस. ये ई है इसका एक बार सुनो. तो सर इस पे ये बहुत मेरा
मतलब सी हो गया बारी बारी दर पावे खोल दारी हो कल्ले हो गए वे चल्ले हो गए हाँ पता नहीं ऐसे बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है किरण खीर से भी ज्यादा है जय भाई आप आग बंद कर लो ना काल के राइटर है 1000 का तो देंगे क्या बात क्या बात क्या बात आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे नैना तेरे गजराने से शुरू हो नैना तेरे गजरारे हैं आहा नैनो तेरे आ रहे हैं अनजाने ही अच्छा यार अच्छा अच्छा जब तुम वो साथ अभी आप मैं थोड़ा सा अलग ही आएगा आप ना अरे जय भाई डिस्टर्ब कर रहे हैं यार बरसेगा सावन सपनों का जहां होगा खेला खेला बरसेगा सावन बरसेगा सावन
झूम झूम के दो दिल ऐसे मिले नहीं मैच हो रहा। मैं जब छोटा था बनारस में एक बाबा जी आए हुए थे और वो बाबा जी ऐसे थे, मतलब उनका एक हाथ हमेशा से ऐसे था। अच्छा। तो मैंने पूछा कि हमेशा ऐसे हाथ उठा कर क्यों खड़े रहते हैं बाबा जी, मतलब हमेशा हाथ उठा के क्यों रहते हैं। तो बताया कि वो बहुत सालों तक समस्या करते तो सिर्फ एक ही हाथ क्यों? हाँ मतलब दूसरा हाथ जब भी यूज कर रहे होंगे कॉन्स्टेंटली ऊपर था तो फिर वो ऐसे ही रहेगा, मतलब वो नीचे वाले नहीं है। अबे यार जय भाई भी ऐसे हो जाएंगे एक दिन। क्या होगा इस बड़ों का यार, हमने इतना सुना है 12 बजे तेरी दाल बन रही है, दाल मखनी, और ऐसा नहीं कर सकता तू कि 12 घंटे में नहीं बनी ना, 12 घंटे से 12 घंटे में नहीं बनी, उसको बोलो हिस्ट्री बनाए और यहां से छलांग मार कि मतलब दाल मच्छी बंदे ने सही कर दिया। 12 घंटे यार 15 घंटे चढ़ा लो आप दाल को, बाद में जो तू एक्सपेरिमेंट नहीं, नहीं 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 अच्छी बनाता है यार ये दाल, बहुत दाल मखनी। हाँ इसकी रिशित की दाल जरा। अच्छा अभी हम मर जाना चाहता हूँ मैं। क्या बात कर रहा है, पैर की चोरी है पागल हो चुके हैं लोग दाल लो के लिए। अरे प्लेट हटाओ। अच्छा हाथ जोड़ने लग गए सर। अच्छा सेल्फ सर्विस। अरे रोहन पहले जो घर में आए होते हैं उनको खिलाना होता है। मैं किसके घर में आया हूँ आज? क्या कर रही है? Oh my God, please, what is this? ऐसे मजा नहीं आता है कभी। अरे प्रीत अलग अलग करके खाना होता है यार। प्रीत what is this? प्रीत संगम नहीं लेकिन शादी में ऐसे ही होता है। शादी में पंजाबियों में हम ऐसे ही खाते हैं और साइड में गुलाब जामुन भी रखा है। इसमें जा रहा है ये कैसी हल्दी थी? अरे हाँ ये डालने होते हैं दो डाले। एक दाल से खा लो एक पनीर से खा लो। बोल रहे भोकाल के राइटर रुद्रा जो दाल में परत जम गई ना ऊपर। ओहो क्या बात कर रहा है। कैसी है दाल? प्लीज अरे ऋषित वेरी नाइस है ऋषित मान के गुरु ये रोटी के साथ बात है। क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हो? बैठ जाओ बैठ के खाते हैं खाना। वैसे गाइस रोहन तुमने अपनी वो पार कर दी, क्या बोलते हो उसे? हाँ दहलीज पार करके यहाँ तक आ गया भाई। अरे क्या क्या ओ पोजिंग क्या रोहन यहाँ तक आएगा? आ जा बाय ऋषित थैंक यू ऐसे करते ना क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अरे हाँ ऋषित की दाल इतनी टेस्टी है कि पैक कर रही है ले जाई जा रही है। तो चाटना पड़ेगा चाटना पड़ेगा तो क्या चाटना पड़ेगा ये शॉट में लगाएगी। ये क्या हो रहा है? बैक टू होम फाइनली और बहुत खा लिया है आज। 2 चपाती एंड इतनी सारी दाल। ऋषित ने इतनी यम्मी दाल बनाई थी और मुझे नींद आ रही है। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए सो डू लाइक द वीडियो शेयर इट कमेंट इट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। ऑफकोर्स आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा होगा इसलिए आप लोग देख रहे हैं। गुड नाइट।